अब आते हैं केस नंबर 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, अब आते हैं केस 4 पर। अब हमने हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, बाइनरी के अंदर। फॉर एग्जांपल यहां पर हमारे पास दिया हुआ है EF, ठीक है। अब हमने क्या किया, E हमने सेपरेटली लिख लिया, F हमने सेपरेटली लिख लिया, और यहाँ पर लिखने के बाद हमने यहाँ पर लिख दिया क्या, 1, 2, 4 एंड 8। इसके नीचे भी हमने लिख लिया 1, 2, 4 एंड 8, यानी जो हम पहले कर रहे थे उसी का रिवर्स हम अभी करेंगे। सो पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम बाइनरी जो हमारे पास 8-bit बाइनरी था उसको हम बीच में से ब्रेक कर रहे थे, लेकिन अब हमारे पास 2 हेक्साडेसिमल के डिजिट दिए हुए और हम उसको क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी के अंदर। सो यहाँ पर जल्दी से इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। एफ का क्या मतलब है, एफ का मतलब है हमारे पास 15। ई का क्या मतलब है, ई का मतलब है हमारे पास 14। कैसे पता, ये टेबल हमने याद किया हुआ है। ए क्या होता है 10, बी क्या होता है 11, सी क्या होता है 12, डी क्या होता है 13, ई क्या होता है 14, और एफ क्या होगा 15 होगा। सही है। सो 14 और 15 हमें फॉर्म करना है इन चार वैल्यूज से। 15 कैसे बनेगा, 8 प्लस 4 क्या होता है 12, और 12 प्लस 2 14, और प्लस 1 15। सो 15 के अंदर हमने सारी बिट्स को क्या कर दिया, ऑन कर दिया। सही है। फिर उसके बाद 14, 14 पे क्या होगा, 8 और 4 को जब मैं ओपन करूंगा या 8 और 4 के नीचे जब मैं 1 लिखूंगा तो क्या बनेगा 12, 12 प्लस 2 14, और ये आ गया क्या 0। 0 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे मेरी डिमांड पूरी हो गई, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि यहाँ पर एग्जामिनर हमें 3 नंबर्स दे दे, 3 नंबर्स इन अ सेंस। सेवन भी है, चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमें एग्जामिनर ने ये दे दिया और बोला कि भाई इसको कन्वर्ट करो किसके अंदर, बाइनरी के अंदर। इसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम इन सबको क्या कर लेंगे, सेपरेटली लिख लेंगे अपने पास 7B और यहाँ पर क्या गया A। सेपरेटली लिखने के बाद हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 1, 2, 4, 8, हर किसी के नीचे क्या आ जाएगा 1, 2, 4 और 8। 1, 2, 4, 8 आने के बाद हमें अब क्या करना है, इनकी वैल्यूज पता करनी है। बी की रियल वैल्यू क्या है हमारे पास 11, ए की रियल वैल्यू क्या है हमारे पास 10। तो ये सब हमें 11 और 10 को फॉर्म करना है। 10 कैसे बनेगा, 8 प्लस 2 क्या बनता है 10। 11 कैसे बनेगा, जिस तरीके से 10 बनाया था और 1 को ऑन कर दिया। 7 कैसे बनेगा, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, ठीक है। सो हमारे पास ये 12-bit बाइनरी वैल्यू बन गई, 0111, 1011, 1010। सही है, ये चीज समझ आ गई, केस 4 समझ आ गया। जी सर। सब्सक्राइब टू CS by Hamza if you find any value in it. Thank you for watching.